आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। देश में कोरोना की दूसरी लहर तो थम रही है, लेकिन ना तो हालात शांत हैं और ना ही लोगों के मन में शांति है। एक्सपर्ट कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा लगातार जता रहे हैं और इस लहर को बच्चों के लिए अधिक खतरनाक बताया जा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर तो थम रही है, लेकिन ना तो हालात शांत हैं और ना ही लोगों के मन में शांति है। एक्सपर्ट कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जता रहे हैं और इस लहर को बच्चों के लिए अधिक खतरनाक बताया जा रहा है। थर्ड वेव से लड़ने के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो है वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और प्रॉपर न्यूट्रिशन। बच्चों में वैक्सीनेशन अभी तक बच्चों में उपलब्ध नहीं था, खाली बड़ों लोगों को 18 साल से ऊपर के लोगों को ये हम लगा रहे थे, लेकिन एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हमारे देश में भी जो फाइजर वैक्सीन है वो 12 से लेके 18 साल तक के बच्चों में लगाई जा सकती है। ऐसे में बच्चों की वैक्सीन को लेकर भारत समेत दुनिया भर में काम तेज हो गया है। अब वयस्क लोगों के अलावा देश में 18 साल से नीचे की उम्र के 15 करोड़ के करीब बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की चुनौती सरकार पर है। इसकी जो दो डोज आएंगी वो आप समय से जो भी गाइडलाइंस जारी करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको फॉलो करके टीनेजर, एडोलेसेंट और 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं उनमें वो वैक्सीन जरूर लगवाइएगा, क्योंकि हमें थर्ड वेव से निपटने के लिए पूरा कवरेज चाहिए बच्चों में, और वो है वैक्सीनेशन, रूटीन वैक्सीनेशन एज वेल एज वैक्सीन अगेंस्ट द COVID-19। तो सतर्क रहिए और जैसे ही वैक्सीन जो लॉन्च हो तो कृपया करके अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाइएगा, और साथ में COVID-19 से बचाव के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन गाइडलाइंस हैं कृपया उनको फॉलो करिए, क्योंकि अगर बड़े लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये थर्ड वेव में हम बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम गाइडलाइंस को फॉलो करें और वैक्सीन बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी उसको पूरी तरह से वैक्सीन लगवाएं। वो भी ऐसे वक्त में जब देश में कोई भी वैक्सीन अभी बच्चों के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका समेत कई देशों में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई है, लेकिन भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन अभी ट्रायल के स्टेज पर है। देखिए, वैक्सीनेशन सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये कोरोना की बीमारी जो है उसका मेन ट्रीटमेंट जो है बचाव ही है। बचाव के लिए मास्क पहनना और दूरी बनाए रखना और समय पे वैक्सीन लेना। वैक्सीन अभी जो अवेलेबल है मार्केट में जो सरकार की तरफ से दी जा रही है वो 18 साल से ऊपर की उम्र के लिए दी जा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जो अभी ट्रायल चल रहे हैं भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है और जो कोविशील्ड वैक्सीन है, दोनों वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और उम्मीद करी जा रही है कि 1 से 2 महीने के अंदर 6 से 18 और 12 से 18 साल की पहले आएगी, फिर उसके बाद में हो सकता है कि 1-2 महीने में 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। देश में बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल शुरू हुआ है। भारत में बच्चों की तादाद बहुत बड़ी है। मोटे तौर पर देखा जाए तो हमें 25 करोड़ वैक्सीन डोज की ज़रूरत बच्चों के लिए होगी। आप किसी को वैक्सीनेट कर और किसी को छोड़ नहीं सकते। खतरे को कम करना है तो सभी बच्चों को वैक्सीनेट करना होगा। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।